नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। मध्य प्रदेश बालाघाट सरस्वती नगर में निवासरत सुनील जायसवाल उम्र 50 वर्ष के घर में उसकी बेटी के जन्मदिन की तैयारी चल रही थी कि सुनील जायसवाल ने अपने ही पुत्र को मारने की अमानवीय घटना को अंजाम दे दिया। आपको बता दें कि इस घटना को लेकर लोगों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा इस बात की है कि ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि एक पिता को अपने ही जिगर के टुकड़े को बैनगंगा नदी के स्टॉप डैम के बीचों बीच इसके पानी में डुबोकर बेदर्दी से मौत के घाट उतारना पड़ा। पुलिस भी इस घटना से हैरान हो गई। बता दें कि और यही नहीं, पिता ने पुत्र की हत्या के पश्चात ही कोतवाली पुलिस थाना में आत्मसमर्पण कर दिया। CSP सुमित क्रिकेटा ने बताया कि सुनील जायसवाल के घर में 29 मई को उसकी बड़ी बेटी का जन्मदिन था। जन्मदिन की तैयारियों की सामग्री की खरीदी करने को लेकर वह अपने 8 वर्षीय पुत्र को बाजार जाने के लिए स्कूटी से दोपहर में निकला था। आरोपी पिता से पूछे जाने पर बताया कि उसकी आर्थिक तंग हाली होने के कारण वह परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने अपने पुत्र की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जहाँ आरोपी को कोर्ट में पेश करने के पश्चात जेल भिजवाया जाएगा। मिट्टी को बैनगंगा नदी के पुलिया के पास ले चल रही है, जो सूचना की तस्दीक करते हुए थाना प्रभारी कोतवाली रस्ते थे और मैं मौके पे पहुंचे, जहां देखा कि जो लड़का छोटे पुलिया के पास में छोटे पुलिया के पास में डूबे हुए अवस्था में मिला, जो उसके चाचा सुधीर जायसवाल द्वारा निकाला भी गया और इसके उपरांत उसके शव पर चुनावा और डीएन की कार्रवाई की गई। इसमें आगे की विवेचना में ये पाया गया कि उसके जो पिता सुनील जायसवाल, उसके द्वारा ही अपने पुत्र प्रतीक जायसवाल की हत्या की गई थी, जो कि उसको बैनगंगा नदी में डुबाने से की गई है। और जो आज न्यायालय पेश कर उसका रिमांड लिया, क्या कुछ कारण सामने आया? उनका जो सुनील जायसवाल है, इनका जो है पूर्व में जो है इनका बीमारी का इतिहास रहा है और इसके कारण उनको मानसिक दबाव या स्ट्रेस कहें या पर उसका भी एक हिस्ट्री रही है, इस कारण से उनकी जो है जो रिएक्शन रहता है वो दवाई के उपलब्धता ना होने पर भी होती है। इसके फलस्वरूप कल जो है 11:30 बजे वो अपने बच्चे को घुमाने ले गए, वहाँ से वो उनको नदी ले गए और जहाँ पर उन्होंने इकट्ठा कर जी बेरोजगारी भी है, क्योंकि वो कोई व्यवसाय या कोई धंधा नहीं करते थे, जैसे वो भी पाते। जैसा कि मैंने पहले बताया, 11:30 बजे ही अपने घर से कुछ अपने राशन के काम से अपने घर से निकला था, वहाँ से वो सीधे नदी चला गया, जो उनकी घर की जो गाड़ी है मेस्ट्रो उससे लेके गया। सर, कुछ घरेलू विवाद भी सामने आ रहे हैं, जानकारी मिल रही है? नहीं, अभी तक तो फिलहाल इतना ही है, जैसे जांच बढ़ेगी हो सकता है उसके सामने। सर, गला भी दबाया था इसने बेल्ट वगैरह से बच्चे का, उसके बाद उसको डुबाया था। उसमें जो PM रिपोर्ट के आधार पर ये है कि जो है डुबाने से मृत्यु होना अभी तक पता चला है, तो ये सही है कि जो बेल्ट भी मौके पर मिला है। मतलब PM रिपोर्ट में पहले गला घोटने जैसी कोई बातें नहीं आई है, डूबने से मृत्यु होना पाया। खबर समय जगत के लिए बालाघाट से संजय अजीत की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।